नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो आज मैं आप लोगों को इसी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो योजनाएं स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि पहली थी मुख्यमंत्री किसान योजना जिसका फुल फॉर्म होता है किसान सम्मान निधि योजना, और दूसरी योजना थी मुख्यमंत्री किसान श्रम योगी मानधन योजना जो कि पेंशन की योजना थी। जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान योजना शुरू की गई थी, इसमें हर साल किसानों को 5 एकड़ से कम जगह वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि उनके खातों में दी जानी थी, जो कि उन्हें हर प्रति 4 माह में 2,000 रुपये 3 बार, मतलब कि कुल मिलाकर 3 किस्तें दी जाएंगी जो कि 6,000 रुपये हो जाएंगी। तो इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस योजना को आगे बढ़ाते हुए इसमें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने की शुरुआत की है, जिसमें कि 6,000 रुपये किसान योजना के द्वारा मिलेंगे और 4,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि 2 किस्तों में दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों को कुल मिलाकर 6,000 किसान योजना के द्वारा और 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 10,000 रुपये अब मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन करना है, और यदि पहली बात तो मैं बता दूं कि इस योजना के लिए जो आपके गांव के जो पटवारी होंगे उन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया होगा। यदि आपका नाम नहीं आता है आपके अकाउंट में अभी तक 2,000 रुपये जो कि पहली किस्त डाल दी गई है, मैं आपको बता दूं कि 27 फरवरी को, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि 27 फरवरी को, अभी 27 फरवरी को जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 17 फरवरी को पहली किस्त किसानों के खाते में डाल दी है। इस प्रकार से अभी यदि आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आए हैं तो आप फिर से पटवारी के पास जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो यदि आपका आवेदन जमा हो चुका है या आपके पटवारी ने इसकी जानकारी ऊपर के पोर्टल पर भेज दी है या ऊपर भेज दी है, तो आपके अकाउंट में अभी तक 2,000 रुपये या 4,000 रुपये की पहली किस्त आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो आपको अपने पटवारी से संपर्क करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 4,000 रुपये की राशि पहुंचाई जाएगी, जिसमें कि 2,000 रुपये की किस्तों को किसानों के खाते में दी जानी है, 2 किस्तों में दी जानी है, और अभी तक 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम किसान योजना या जो कि पीएम किसान योजना है जिसमें 6,000 रुपये मिले थे, उसमें उसके अंतर्गत यदि आपका नाम चढ़ा है तो आपको इसके अंतर्गत 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि 2,000 रुपये की 2 किस्तों मिलेंगे। इस प्रकार से अब आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें कि पहली किस्त 2,000 रुपये किसानों के खातों में डाल दी गई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।